लोगों ने सारी रात जागरण सुना, तो अगर आप भी माँ तारा रानी की कथा ना सुनेंगे और सुबह प्रसाद लेकर घर ना जाएंगे तो आपका भी जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। बोली सच्चे दरबार की। माँ के भक्तो हम तुम्हें बताते हैं, सब समझाते हैं। माँ की भक्त तारा रानी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। सुनो माँ के भक्त हम तुम्हें बताते हैं, सब समझाते हैं। माँ की भक्त तारा रानी की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। जय जय रे माँ, जय जय जगदम्बे माँ, जय जय रे माँ, जय जय जगदम्बे माँ। तो चलिए बाकी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए तारा रानी मैया की, क्योंकि इस कथा में नींद बहुत आती है। तो सभी ने अपने मन पे ध्यान देना है और नींद को दूर करना है। बोलिए सच्चे दरबार की। और पूजा पाठ में अपना सारा वक्त व्यतीत करते थे, लेकिन राजा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत वैभव सब कुछ राजा के घर में था, पर राजा के घर में कोई संतान नहीं होती थी। बोलिए सच्चे दरबार की। और हर वक्त राजा को यही कमी बार बार खलती थी कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा एक भगत के पास जाते हैं और राजा को वो भगत बताते हैं कि तुम अपने घर में मां नवदुर्गा की पूजा करवाओ, नौ नवरात्रों में माँ दुर्गा के व्रत करो और माँ दुर्गा की भक्ति में इतने बलीन हो जाओ कि माँ जो भी तुम्हारे घर में कमी है उसे जरूर पूरी करेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा अपने घर में विधि पूर्वक माँ का गुणगान करवाते हैं और नौ व्रतों को करते हैं। बहुत ही श्रद्धा से राजा उन व्रतों को निभाते हैं और जब भी व्रत निभाते हैं तो राजा के घर में कुछ साल बाद संतान हो जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की। एक सुंदर कन्या राजा के घर में जन्म लेती है और राजा बहुत ही खुशी होते हैं और पूरे अपने राज्य में मिठाइयां बांटते हैं, धन दौलत बांटते हैं, अन्न बांटते हैं कि आज मेरे घर में एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा पंडित को बुलाते हैं और अपने घर में उसको घर में बुलाते हैं और उस बच्ची की जन्म कुंडली बनाते हैं। तो पंडित उस बच्ची की कुंडली बनाते हैं तो पंडित हैरान हो जाते हैं कि राजा तुम्हारे घर में तो साथ साथ देवी का रूप आ गया है। बोलिए सच्चे दरबार की। ये बहुत ही सुशील और प्यारी कन्या ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, ये सिद्ध देवी का रूप है। बोलिए सच्चे दरबार की। उस बेटी की कुंडली बनाते हैं तो राजा बहुत ही खुशी होते हैं कि मेरे घर में तो देवी माँ साक्षात आ गई है। और अगले ही बरस राजा के घर में एक और कन्या जन्म लेती है तो राजा बहुत ही खुशी होते हैं। कहते हैं कि जब देने पे आती है दाती तो ढेरों के ढेर देती है और जब लेने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही राजा के घर में एक दूसरी कन्या जन्म लेती है तो राजा फिर से पंडित को बुलाते हैं और उस बच्ची की कुंडली का पंडित को बनाने को कहते हैं। तो जैसे ही राजा उस दूसरी बेटी की कुंडली बनाने लगते हैं तो पंडित देखते हैं कि ये कन्या तो पूरे राज्य के लिए शुभ है। बोलिए सच्चे दरबार की।
तो वो राजा को बोलते हैं कि राजा ये कन्या तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर देगी। तो इससे ऐसा है किस कन्या को मार दो या किसी को इसे राज्य के बाहर दे दो, बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूँ, अपनी बेटी को कैसे मार दूं, बोलिए सच्चे दरबार की। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि इस बेटी का कहीं पालन पोषण हो जाए और इसे मरना भी नहीं पड़े और मेरे राजा का सर्वनाश होने से भी बच जाए, बोलिए सच्चे दरबार की। तो पंडित राजा को कहते हैं कि राजा ये कन्या जन्मों जन्मों से अपने श्राप भोग रही है। पिछले जन्म में ये कन्या इंद्रलोक में नृत्य करती थी, दोनों बहनें जन्मों जन्मों से साथ एक ही घर में जन्म लेती है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही राजा को पंडित पिछले उन कन्याओं के पिछले जन्मों की कथा व्यतीत करते हैं, कहते हैं कि राजा इंद्रलोक में ये दोनों बहने नृत्य करती थी और वहां से थकी हारी वो मृत्यु लोक में आ जाती है और दोनों बहने एकादशी का व्रत निभाने लगती है, करने लगती है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही दोनों बहने एकादशी का व्रत रखती है और जंगल में कुछ फल लाने के लिए दोनों बहने जाती है, तो बड़ी बहन तारा जंगल में फल लेने के लिए जाती है और रुक्मन को कहती है कि रुक्मन तुम यहीं रुक जाओ, मैं कुछ फल लेकर आती हूँ और अपने व्रत भी खोलना है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही तारामती फल लाने के लिए जाती है तो पास ही पड़ोस में एक जागरण लगा होता है और रुक्मन वहां चली जाती है, वहां पे माँ काली को मांस के प्रसाद का भोग लगाया जा रहा था, बोलिए सच्चे दरबार की। और वैसे ही रुक्मन वहां जाती है तो प्रसाद बट रहा होता है और रुक्मन भी मांस के प्रसाद का आहार कर लेती है, बोलिए सच्चे दरबार की। और उस टाइम जागरण में माँ काली के जागरण होते थे तो मांस का भोग लगाया जाता था, बोलिए सच्चे दरबार की। अब माँ वैष्णो के जागरण होते हैं, माँ ज्वाला जी के जागरण होते हैं, अब जागरण में प्रसाद और हलवे हलवा और चने का भोग लगाया जाता है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही उसकी बड़ी बहन जंगल से फल लेकर आती है तो रुक्मन को पूछती है कि बहन चलो हम अपने घर में चलते हैं और जो हमने व्रत किया है उसको विधि पूर्वक खोलते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। तो दोनों बहनों में जब ये बातचीत होती है तो छोटी बहन रुक्मन कहती है कि बहन मैंने तो व्रत खोल लिया, बोलिए सच्चे दरबार की। तो तारामती कहती है कि तूने कैसे व्रत खोल दिया, तूने कहां व्रत खोला। तो रुक्मन कहती है कि बहन मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैं कहीं जागरण में चली गई थी, वहां पे काली माँ को मांस के प्रसाद का भोग लगाया जा रहा था तो मैंने मांस का प्रसाद ग्रहण कर लिया है, बोलिए सच्चे दरबार की। और तारामती बहुत ही गुस्से होती है, कहती है कि तू नीच है, तूने नीच काम किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तूने जो इस जन्म में मांस का हार किया है, जा तू अगले जन्म में भी कीड़े मकोड़े ही खाएगी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तू छिपकली बनेगी, बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही उसको श्राप लगता है तो छिपकली बनती है रुक्मन और राजा गोरखनाथ के टीले पे उसको ठिकाना मिलता है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो वहां पे उसे ठिकाना मिलता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा यज्ञ गुरु गोरखनाथ जी करवाते हैं और वहां पे बहुत सारे साधु संतों को निमंत्रण दिया जाता है और सभी साधु संत वहां पे भोजन करने के लिए आए होते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत ही बड़ा वो भंडारा होता है। तो जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी का एक चेला कीर्तिमान का नाम कीर्ति नाम का साधु हुआ करता था जो कि गुरु गोरखनाथ जी से अपना बदला लेना चाहता था, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में भंडारे का आयोजन होता है तो उस कीर्तिमान साधु को पता लग जाता है कि अब सही मौका है गुरु गोरखनाथ जी से बदला लेने का, बोलिए सच्चे दरबार की। और वो कीर्तिमान साधु एक बाज का रूप धारण करता है
और एक मरा हुआ सांप मुंह में लेकर आता है और जैसे ही उसे मौका लगता है वो उस खीर के हलवे का जो कढ़ा होता है जिसके जिससे साधु संतों को भोजन करवाना था उस कढ़ा में उस सांप को डाल देता है। बोलिए सच्चे दरबार की। किसी की भी नजर वहां पे नहीं होती है पर जो छिपकली दीवार पे चिपकी होती है वो देख रही थी कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। अगर इस प्रसाद का आहार इन साधुओं ने कर लिया तो सभी मर जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। और बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो जैसे ही उस कढ़ा में उस मरे हुए सांप को डालता है तो छिपकली ऊपर से छलांग लगाकर उस कढ़ा में कूद जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की। और अपनी जान दे देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही वो रसोइये मरी हुई छिपकली को उस खीर के कढ़ा में देखते हैं तो वो गुरु गोरखनाथ जी को बुलाते हैं कि गुरुजी यहाँ पे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। जो भोजन हमने साधु संतों के लिए बनाया था उस साधु उस भोजन में तो छिपकली गिर गई है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि ये छिपकली है इस जन्म में भी नीची है और अगले जन्म में भी नीची बनेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और उसको एक और श्राप मिलता है कि तूने इतने साधु संतों का भोजन खराब किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तू इस जन्म में नीच थी अगले जन्म में भी नीची रहेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी अपने उन चेलों को कहते हैं कि जाओ इस भोजन को कहीं गड्ढा करो और वहां पे दबा दो ताकि कोई भी जीव जंतु या पशु पक्षी इसे ना खाए, अगर वो खाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही वो उस खीर के कढ़ा को दबाने के लिए जाते हैं तो वहां पे जब वो खीर के कढ़ा को उलटते हैं उड़ेलते हैं तो उसमें मरा हुआ सांप निकलता है। बोलिए सच्चे दरबार की। और वो फिर से गुरु गोरखनाथ जी को बुलाते हैं कि गुरुजी यहाँ पे तो एक मरा हुआ सांप भी निकला। तो जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी की नजर उस मरे हुए सांप पर पड़ती है तो वो सारे दृश्य समझ जाते हैं कि जिस छिपकली ने हमारी जान बचाई है उस छिपकली को तो मैंने श्राप दे दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो मैंने इस छिपकली को श्राप दिया है वो तो मैं वापस नहीं ले सकता पर जा तेरा जन्म उच्च घराने में होगा और तेरा पालन पोषण किसी नीच घराने में होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो उसी प्रकार राजा के घर में उस कन्या का जन्म हुआ था पर उसके कुंडली में कुछ नक्षत्र ऐसे थे कि उसका पालन पोषण वहां नहीं हो सकता था, वो पूरे राज्य के लिए अभिशाप बन गई थी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जब पंडित राजा को कहते हैं कि तुम एक सुंदर बक्सा बनाओ उसमें हीरे और जवाहरात डाल दो और उसे मोतियों से जड़ दो ताकि उसके अंदर कन्या को बिठा दो और नदी में बहा दो और जो भी इस बक्से को आगे देखेगा वो इसे पकड़ेगा और तुम्हारी कन्या कहीं सही जगह पर चली जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि वो तो एक देवी का रूप था, उसे जब नदी में बहाते हैं तो उसका तो बालवान का भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसके ऊपर माँ भवानी का आशीर्वाद था। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही उसे नदी में बहाया जाता है बोलिए सच्चे दरबार की और वहां से दोनों बहनों का बिछोड़ा होता है तो कैसे होता है मीठी मीठी तालियों के साथ जरा इस भजन का श्रवण करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े असा होड़ टूर जाना हो दिन रह गए थोड़े, असा होड़ टूर जाना हो दिन रह गए थोड़े। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही वहां से रुक्मन को विदाई मिलती है उस बक्से में डालकर नदी में बहाया जाता है
तो पंडित पीछे पीछे उस बक्से के जाते हैं, क्योंकि उसके मन में लालच आ जाता है इसमें तो बहुत सारे जेवरात और हीरे डाले हैं, ताकि मैं इस बक्से को पकड़ूंगा और जो भी इसके अंदर माल होगा मैं सब ले लूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही पंडित नदी में कूदते हैं, उस बक्से को लाने के लिए जाते हैं, तो बक्सा तो क्या लाना, पर खुद मरने से बचते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की, और वो नदी में डूबने लगते हैं। तो वही पास में एक किनारे में एक मछुआरा उस दृश्य को देख रहा था, और वो मछुआरा झट से नदी में छलांग लगाता है और बक्से और पंडित को दोनों बाहर लेकर आता है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही वहां पे उस बक्से को लाया जाता है, तो पंडित के मन में फिर से लालच आ जाता है, बोलिए सच्चे दरबार की, और उस गरीब मछुआरे को कहता है कि तूने मेरी जान बचाई है, मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा, मैं तुझे कुछ ना कुछ उपहार दूंगा, बोलिए सच्चे दरबार की। चलिए, हमने ये बक्सा बाहर लाया है, तो जो भी इसके अंदर माल होगा वो तेरा, और जो बाहर का माल होगा वो मेरा। पंडित कहता है, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है, फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आती है, फिर उसे छल कपट करता है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही उस बक्से को खोला जाता है, तो उसमें से एक सुशील कन्या निकलती है, और जो मछुआरा होता है उसे अपनी छाती से लगा लेता है, बोलिए सच्चे दरबार की, छाती से लगा लेता है और बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसके घर में भी कोई संतान नहीं होती थी, जिसको ऐसी दौलत मिल जाए उसे और क्या चाहिए, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही वो उस कन्या को अपने घर लेकर जाता है और क्या कहता है, दिल वाली पाल कीच तैनू मां बिठाए, चल मेरे नाल तैनू कर लेके जाए। सभी गाएंगे मेरे साथ, बोलिए सच्चे दरबार की। आपको नींद आ रही है, मेरे साथ गाएंगे, दिल वाली पाल कीच तैनू मां बिठाए, दिल वाली पाल कीच तैनू मां बिठाए, चल मेरे नाल तैनू कर लेके जाए, बोलिए सच्चे दरबार की। तो मछुआरा उसे अपने घर लेकर जाता है और अपनी पति पत्नी को सौंपता है, कहता है कि देख आज मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, बोलिए सच्चे दरबार की। नहीं तो नहीं आ रही है जी, नहीं आ रही है, मजा आ रहा है कथा में, तो तालियां होनी चाहिए, बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही वो अपनी पत्नी को उस बेटी को सौंपता है, तो वो उस बेटी को देखकर बहुत ही खुश होती है, और देखिए माँ की महिमा, उसकी छाती में से अपने आप दूध निकल जाता है, माँ की ममता झलक जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की। और वो उस बेटी का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से करते हैं, और उधर तारामती का महलों में उसका पालन पोषण हो रहा था दूसरी बहन का, और उसका मछुआरे के घर में हो रहा था, बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही वो बेटियां बड़ी हो जाती हैं, तो तारा मती की शादी अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से हो जाती है, और वो अयोध्या की महारानी बन जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की। और जो रुक्मन होती है, जो मछुआरों के घर में उसका पालन पोषण होता है, उसकी शादी कलुआ नाम का एक भील होता है उसके साथ हो जाती है, मछुआरे के साथ, बोलिए सच्चे दरबार की। और दोनों बहनें एक ही राज्य में जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं कि जब ऊपर वाले का लिखा होता है उसे कोई नहीं डाल सकता, बोलिए सच्चे दरबार की। और जब दोनों बहनें एक ही राज्य में विवाह करके जाती है, तो एक राजा की रानी होती है और दूसरी मछुआरा होती है, बोलिए सच्चे दरबार की। और वो एक दुकान करती थी, उस दुकान में मछलियां बेचा करती थी, और उसका जो पति होता था वो मछलियां पकड़ कर लाया करता था, और वो मछलियां बेचा करती थी, बोलिए सच्चे दरबार की। और राजा की रानी महलों में आराम से नौकरों जागरों के बीच में होती है, बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही एक दिन उस अयोध्या राजधानी में एक जागरण होता है, बहुत बड़ा जागरण होता है,
और रुकमन रास्ते में चली होती है, अपनी दुकान बंद कर कर आती है, तो रास्ते में उसे कुछ भेंटे सुनाई देती है और वो उस जागरण में पहुंच जाती है भोले सच्चे दरबार की, क्योंकि वो माता रानी की भगत होती है तो वो उस जागरण में पहुंच जाती है और माँ का गुणगान करने लगती है, माँ का श्रवण करती है भोले सच्चे दरबार की। और कुछ देर बैठती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि माँ अगर मेरे घर में कोई संतान हो जाए तो मैं तेरे नाम का जागरण अपने घर में करवाऊंगी भोले सच्चे दरबार की। और क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं होती है और वो वहां से सुखना मांगती है, कहते हैं कि हम किसी भी दरबार में बैठे होते हैं, आप भी यहाँ पे बैठे हैं माँ दरबार में बैठे हैं, अगर आपने भी कोई मुराद माँ से मांगनी है तो ऐसी मांगनी है कि जिसे हम पूरा कर सके भोले सच्चे दरबार की। क्योंकि कई बार आदमी खुशी होकर कह देता है कि माँ जा मैं तेरे दर में 10 लाख रुपए चुराऊंगा भोले सच्चे दरबार की, पर कुछ टाइम ऐसा आता है कि आदमी बेबस हो जाता है और दो 10 लाख रुपए नहीं चुरा पाता भोले सच्चे दरबार की। तो ऐसी मुराद नहीं मांगनी है कि जिसे हम पूरी ना कर सके भोले सच्चे दरबार की। और जितने भी यहाँ पे भक्तजन बैठे हैं सभी माँ से मुराद मांग सकते हैं, दोनों हाथ जोड़कर माँ से मुराद मांग सकते हैं कि माँ अगर आपकी कोई भी समस्या है किसी की भी तो यहाँ पे सच्चा दरबार होता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस दरबार से मांगी हुई मुराद कभी खाली नहीं जाती भोले सच्चे दरबार की। तो आप अपने मन में सुखना कर सकते हैं और माँ से मुराद मांग सकते हैं, और सुखना ऐसी करनी है कि जिसे कल हम निभा सके भोले सच्चे दरबार की। और वो वहां से घर चली जाती है और कुछ दिन बाद कुछ समय बाद उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है भोले सच्चे दरबार की। क्योंकि हम भूल जाते हैं पर माता रानी कभी नहीं भूलती, जिसको फल देना होता है पूरे संसार की डोरी उनके हाथ में होती है भोले सच्चे दरबार की। तो रुकमन के घर में जब एक बेटा जन्म लेता है तो जब वो 4-5 साल का हो जाता है तो वहां पे उस बच्चे को एक ऐसी बीमारी खतरनाक बीमारी हो जाती है, क्योंकि रुकमन भूल गई थी कि मैंने माँ से मांग मुराद मांगी है कि मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी, पर उस बच्चे के लाड प्यार में भी भूल जाती है भोले सच्चे दरबार की। और उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, डॉक्टरों के पास लेकर जाते हैं, वैद्यों के पास लेकर जाते हैं, विदेशों से डॉक्टर बुलाते हैं वैद्य बुलाते हैं, पर उस बेटे की बीमारी का इलाज कोई नहीं कर पाता भोले सच्चे दरबार की, क्योंकि उसको बीमारी कुछ और थी भोले सच्चे दरबार की। तो एक भगत रुकमन को पूछता है कि रुकमन तूने इस बेटे के लिए कोई मुराद तो नहीं मांगी है। तब रुकमन की आंखें खुलती है और माँ को याद करती है कि माँ मैं पापन हूँ, मैं भूल गई थी, मैं इस बच्चे के लोह में भूल गई थी कि मैंने तेरे नाम का गुणगान अपने घर में करवाना था भोले सच्चे दरबार की। तो रुकमन को जब याद आती है तो वो एक जागरण मंडली के पास जाती है भोले सच्चे दरबार की। जागरण मंडली के पास जाती है, उस टाइम जागरण मंडलियां भी बहुत कम होती थी, अब तो घर घर में कलाकार है, नगर नगर में कलाकार है, बहुत सारे कलाकार हमारे हिमाचल में है, तो उस टाइम बहुत कम हुआ करते थे। तो वो जागरण मंडली के पास जाती है और वहां पे जो जागरण मंडली वाले होते हैं उनसे कहती है कि मुझे अपने घर में माँ का गुणगान कराना है, माँ का जागरण करवाना है भोले सच्चे दरबार की। तो वो जागरण मंडली वाले कहते हैं कि हम तेरे घर में जागरण नहीं कर सकते। तो रुकमन पूछती है कि क्यों आप मेरे घर में जागरण क्यों नहीं कर सकते, मैं भी तो माँ की भगत हूँ। तो वो कहते हैं कि तू नीच जाति से है, हम नीचों के घर में जागरण नहीं करते भोले सच्चे दरबार की। और रुकमन वहां से उदास होकर चली जाती है और बहुत ही उदास होती है और मन ही मन माँ को याद करती है कि माँ तूने मुझे नीचों के घर में जन्म दिया है तो मैं अपने घर में कैसे जागरण करवाऊंगी भोले सच्चे दरबार की। क्योंकि उसको उस टाइम बहुत ही दुख होता है
कि जो मैंने मुराद मांगी है अब मैं उसे कैसे पूरी करूंगी, बोली सच्चे दरबार की। तो वही भगत उसे बोलते हैं कि तुम तारा रानी के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का हल कर सकती है, बोली सच्चे दरबार की। तो जैसे ही रुक्मन महलों में माँ तारावती के पास जाती है, तारा रानी के पास जाती है, तो वहां वो तारा रानी से मिलती है, और जैसे ही दोनों बहनें आपस में मिलती है तो उन्हें अपने पूर्व जन्मों की कथा याद आ जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की, क्योंकि उनके ऊपर माँ का कुछ एहसास नहीं हुआ था। तो जैसे ही दोनों बहनें मिलती है तो उनकी ममता आपस में ऐसी खिल उठती है कि बहन तू आज कहाँ पे आ गई, बोलिए सच्चे दरबार की, बोल मेरे करने लायक क्या काम है। तारा रानी उसे रुक्मन से ऐसा पूछती है, तो रुक्मन कहती है कि बहन मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैंने उसे माँ से मांगा था और माँ से कहा था कि मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं अपने नाम तेरे नाम का जागरण अपने घर में करवाऊंगी, बोलिए सच्चे दरबार की। तो तारा रानी कहती है कि बहन तुम चिंता मत करो, तुम माँ की भगत हो, जा मैं तेरे घर में जागरण करने के लिए आऊंगी और जो भी मंडली है वो भी मेरे साथ आएगी, बोलिए सच्चे दरबार की। तू ऐसा कर, किसी पंडित के पास जा और वहां पे पंडित को पूछ कि महीना डेट और साल बताएं, उसे कागज पर लिख कर दे और उस कागज पे जो भी लिखा होगा वो पंडित जागरण मंडली के पास देना है और पूरे नगर में अपने बताना है कि मेरे घर में इतनी तारीख को जागरण करवाया जा रहा है, बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वो कुछ भी करवा सकता है, बोलिए सच्चे दरबार की, ऐसे कोई कुछ नहीं करवा सकता, बोलिए सच्चे दरबार की, क्योंकि जब तक इनकी मर्जी ना होती तो पता भी नहीं सकता, बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही वो जागरण मंडली के पास जाती है तो वो कहती है कि माँ तारा रानी मेरे घर में जागरण करने के लिए आ रही है और आप लोगों को भी आदेश दिया है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जागरण मंडली वाले कहते हैं कि हम आपके घर में जागरण करने के लिए जरूर आएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। और जैसे ही वो रुक्मन के घर में जागरण करने के लिए जाते हैं तो जब दो महीने आपस में बात कर रही होती थी जागरण की, तो वहां पे एक राजा का नाई हुआ करता था, वो नाई सारी बातें सुन रहा था और वो नाई जाकर राजा के पास जाता है और कहता है कि राजा माँ तारा रानी नीचों के घर में जागरण करने के लिए जा रही है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा को बहुत ही गुस्सा आता है और रुक्मन को रुक्मन के घर जागरण से जाने के लिए माँ तारा रानी को रोकना चाहते थे पर रोक नहीं सकते थे, क्योंकि जब तक माँ तारा रानी जागरण में नहीं जाती थी तब तक जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता था और राजा को यही बात बार बार स्थाई जा रही थी कि ये नीचों के घर में जागरण करने के लिए जा रही है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही राजा को ये पता चलता है वो अपने हाथों की उंगली तलवार से काट लेते हैं, चाकू से काट लेते हैं और उसमें नमक मिर्च डाल देते हैं ताकि इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो और मैं पूरी रात सो ना सकूं, बोलिए सच्चे दरबार की, और जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तो माँ तारा रानी जागरण में नहीं जा सकती, बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तो तारा रानी को बार बार यही चिंता सताती है कि अब मैं जागरण में कैसे जाऊंगी, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही राजा को सिर वो अपने जांघों पे ले लेती है और राजा के सिर को थपथपाने लगती है, बोलिए सच्चे दरबार की, क्योंकि माँ तारा रानी का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि आंटी जी के भी ऊपर तारा रानी माँ का प्रभाव पड़ गया है, नींद आ रही है इनको भी, क्योंकि माँ तारा रानी का प्रभाव ही ऐसा होता है कि नींद आ ही जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की, क्योंकि इस कथा को पूरी कोई भी नहीं सुन पाता, बोलिए सच्चे दरबार की, कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, बोलिए सच्चे दरबार की, ये कथा ही कुछ ऐसी है। कहते हैं कि नींद फूलों के बिस्तर पर आती है, कांटों की सेज में नहीं, बोलिए सच्चे दरबार की। तो ये जो सत्संग होता है ये कांटों की सेज जैसा है, क्योंकि इसमें बैठना बहुत मुश्किल है,
और ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। कोई कोई भगत होते हैं जिनको माता रानी पे भरोसा होता है और वो अपना ध्यान सत्संग में लगाते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही वो राजा का सिर सख्त पाने लगती है और थोड़ी देर बाद राजा को नींद आ जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की। माँ तारा का प्रभाव पड़ जाता है और माँ निद्रा राजा के ऊपर विराजमान हो जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही राजा को नींद आती है तो रानी झट से खिड़की के रास्ते नीचे उतरती है और जल्दी से जागरण के लिए रवाना हो जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की। और माँ तारा रानी जागरण में पहुंचती है, जब राजा की आंख खुलती है तो राजा भी पीछे पीछे घोड़े पे तलवार लेकर चले जाते हैं कि आज मैं रानी को नहीं छोड़ूंगा, तो मैं उसे मार ही दूंगा, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जब राजा जागरण में पहुंचते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि वहां पे प्रसाद बांटा जाता है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो प्रसाद बांटते हैं तो राजा जब यह दृश्य देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब तारा रानी जागरण में जाती है और वो प्रसाद लेने लगती है तो राजा देखते हैं कि माँ तारा रानी की झोली में मांस का प्रसाद डाला जा रहा है, बोलिए सच्चे दरबार की। और झोली में प्रसाद डालते हैं, मांस का प्रसाद। तो जैसे ही माँ तारा रानी जागरण से बाहर निकलती है तो राजा झट से बाजू से तारा रानी को पकड़ लेते हैं कि रुको, तुम्हारी झोली में क्या है मैं देखना चाहता हूँ, बोलिए सच्चे दरबार की। तो माँ तारा रानी बहुत ही घबराई होती है कि मैं राजा को क्या बताऊंगी कि मेरी झोली में क्या है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो वो माता रानी से अरदास करती है कि महामाई मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, आज तो मेरी जान बचाएगी, जो भी मेरी मनोकामना होगी तुम पूरे करेगी, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही राजा झोली में हाथ डालते हैं तो वहां से खील और मखाने निकलते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की। तो उस मांस के खील और मखाने वहां पे राजा को मिलते हैं, तब से मांस की जगह खील और मखाने बांटे जाते हैं माँ तारा रानी के प्रसाद में, क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि मांस का भोग लगाया जाता था, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही राजा खील और मखाने देखते हैं तो राजा हैरान हो जाते हैं कि माँ तारा मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तेरी झोली में प्रसाद डाला गया था, तो ये कैसे हो गया, तू कहीं कोई जादू टोड़ा तो नहीं सीख रखी है, बोलिए सच्चे दरबार की। तो कहती है माँ तारा रानी कहती है कि राजा ये उस माँ का चमत्कार है जिसका गुणगान मैं सुबह शाम करती हूँ, बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा बहुत ही क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि चल आज मैं भी तेरी माँ का चमत्कार देखना चाहता हूँ कि ये क्या चमत्कार करती है, मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूँ, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही राजा को गुस्सा आता है तो उधर माँ तारा रानी को भी गुस्सा आता है कि चल आज मैं तुझे अपनी मैया का चमत्कार बताती हूँ, बोलिए सच्चे दरबार की। और वो अपने महलों में जाते हैं और वो राजा को कहती है कि राजा तू आज मेरी माँ का चमत्कार देखना चाहता है तो यहाँ पे एक हवन करवाओ, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही वहां पे राजा हवन कुंड में गीली लकड़ियां डालते हैं और कहती है कि देख अब मैं तुझे माँ का चमत्कार बताती हूँ, तो वो माँ की आराधना करती है, माँ के आगे अपनी विनती करती है कि माँ आज मैं तेरा चमत्कार देखना चाहती हूँ और इस राजा के आंखों का पर्दा हटाना चाहती हूँ, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही माँ तारा रानी उस हवन कुंड के पास बैठती है, राजा उस हवन कुंड में गीली लकड़ियां डालते हैं तो उस गीली लकड़ियों में एकदम अग्नि प्रचंड हो जाती है, बोलिए सच्चे दरबार की। चकरा ज्वाला मैया का बोल सच्चे दरबार की। तो जैसे ही उन गीली लकड़ियों में आग प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है, तो राजा हैरान हो जाते हैं कि ये गीली लकड़ियों में आग कैसे लग गई, बोलिए सच्चे दरबार की। तो उस अग्नि में से माँ भविष्यवाणी करती है, बोलिए सच्चे दरबार की, उस अग्नि में से माँ का स्वरूप प्रकट होता है और वो राजा को आदेश देती है कि राजा आज तू मेरा चमत्कार देखना चाहता है, तो राजा कहता है कि हाँ माँ आज मैं तेरी भिक्षा लेना चाहता हूँ, बोलिए सच्चे दरबार की। तो जैसे ही माँ
माँ ज्वाला रूप वहां पे प्रकट होता है, तो वो राजा को बोलती है कि राजा जा अपने बेटे को काट दे, बोलिए सचिन दरबार की। तो राजा गुस्से में जाते हैं और तलवार से अपने बेटे को काट देते हैं, क्योंकि गुस्से में आदमी बहुत कुछ कर देता है लेकिन बाद में पछताता है। और माँ उससे कहती है कि राजा तूने अपने बेटे को तो काट दिया, अब जो तुम्हारा प्रिय घोड़ा है उसे भी काट दो, बोलिए सचिन दरबार की, क्योंकि गुस्से में तो आदमी कर देता है, फिर बाद में याद आती है। कई बार हम भी अपने बच्चों को डांट देते हैं, पर लेकिन कुछ टाइम बाद हम सोचते हैं कि अगर हमने थोड़ी जोर से मार दी थी तो पता नहीं क्या हो जाता। बोलिए सचिन दरबार की, क्योंकि दो मिनट का गुस्सा होता है ये महाविनाश कर देता है, बोलिए सचिन दरबार की। और जैसे ही वो अपने घोड़े को काटता है और माँ उससे कहती है कि अब अपने बेटे के मांस को छोटे छोटे टुकड़े में काट और इसे कलश में डाल दे और इस मांस को पका, बोली सचिन दरबार की। तो जैसे ही राजा उस छोटे छोटे कलशों में उस बच्चे के मांस को डालते हैं, क्योंकि जब उसकी आंखें खुलती है कि मैंने अपने बेटे को काट दिया है, और वो जो एक लकड़ी ली होती है उसे उस मांस को पका रहा था तो उस बेटे की उंगली ऊपर आ जाती है, बोलिए सचिन दरबार की। जैसे ही वो अपने बेटे की उंगली देखता है तो राजा बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैंने बहुत बड़ा नाश कर दिया, मैंने तो अपने बेटे को काट दिया, बोलिए सचिन दरबार की। तो जैसे ही राजा दुखी होते हैं और राजा की आंखों से आंसू निकलते हैं, उधर माँ तारा रानी की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। कहते हैं कि माँ की ममता बहुत ही दयावान होती है, क्योंकि माँ का माँ एक ऐसी चीज होती है कि माँ का कर्ज हम सारी जिंदगी भर नहीं निभा सकते, माँ का कर्ज हम कभी नहीं निभा सकते, बोलिए सचिन दरबार की। माँ बाप एक ऐसी चीज होती है। मैं अपने युवा भाइयों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि घर में अपने माँ बाप की सेवा करो, जिन्होंने आपको संसार दिखाया है तो अपने माँ बाप की सेवा जरूर करनी है, बोलिए सचिन दरबार की। तो जैसे ही माँ तारा रानी रोने लगती है और राजा भी दुखी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अपने बेटे को काट दिया, तो माँ ज्वाला फिर से कहती है कि राजा क्यों उदास हो रहे हो। तो राजा कहते हैं कि माँ मैंने तेरा चमत्कार देखने के लिए अपने बेटे को काट दिया, प्रिय घोड़े को काट दिया, मैं बहुत ही बड़ा अभिमानी हो गया था, बोली सचिन दरबार की। तो वो राजा को कहती है, माँ ज्वाला राजा को कहती है कि तुम ऐसा करो, तीन थालियों में इस मांस को डालो और इन तीनों थालियों में भोग लगेगा, बोली सचिन दरबार की। तो राजा वैसा ही करते हैं, तीन थालियों में उस मांस को डालते हैं और माँ कहती है कि जाओ अपने पुत्र को आवाज दो, बोली सचिन दरबार की। तो जैसे ही राजा अपने पुत्र को आवाज देते हैं तो पुत्र दौड़ा दौड़ा अपने सहसकक्ष से बाहर आता है, बोलिए सचिन दरबार की, बोलिए जगदम्बा भवानी की। तो जैसे ही वो पुत्र बाहर आता है तो राजा उसे पूछते हैं कि बेटा तू कहाँ था, तुझे तो मैंने अपने हाथों से काट दिया था, बोलिए सचिन दरबार की। तो पुत्र पता क्या जवाब देता है, वो बोलता है कि पिताश्री मैं अपनी माँ की गोदी में सोया हुआ था, अभी अभी मुझे माँ ने अपनी गोदी से उठाया है, कि जाओ तुम्हारे पिताजी आपको बुला रहे हैं, बोलिए सचिन दरबार। और राजा बहुत ही खुशी होते हैं कि हे माँ, और माँ को नमस्कार करते हैं कि माँ तेरी महिमा निराली है। और जैसे ही वो अपने गुड़शाला में जाते हैं तो जिस घोड़े को उन्होंने काटा होता है वो घोड़ा उस चौगान में हरी हरी घास चरने लगा होता है। तो राजा बहुत ही खुशी होते हैं और दौड़े दौड़े माँ के पास आते हैं और माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर माँ से माफी मांगते हैं कि माँ तू जगत जननी है, तेरी भिक्षा मैं क्या ले सकता हूँ, तेरा चमत्कार चारों दिशाओं में है, बोलिए सचिन दरबार की। तो माता रानी कहती है कि राजा अभी माँ चीज बहुत खराब होती है, इस मेरे दरबार में कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, सब बराबर है, सभी मेरे भगत है, तो ऊंच नीच की बात कोई नहीं है, बोलिए सचिन दरबार की। तो जितने भी मेरे भगत हैं सभी मेरे भगत हैं, बोलिए सचिन दरबार की। तो इसी प्रकार माँ तारा रानी की कथा का यहीं पे विराम दिया जाता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं समझ आता हूँ, बोलिए सचिन दरबार की।